लखनऊ में मोमीन सभा की बैठक का आयोजन किया गया और उसके बाद प्रेस वार्ता की गई। लखनऊ में मोमीन अंसारी सभा की पालकी पैलेस मौलवीगंज में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोमीन अंसार सभा के प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर की गई बैठक। प्रदेश भर में प्रदेश पदाधिकारी, मंडल उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री के अलावा कार्यकर्ता शामिल। कार्यकारिणी की बैठक में पसमादा समाज की राजनीतिक भागीदारी, रोजगार, शिक्षा, सरकारी योजना जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। सर, आज नगर समाज में आपकी बैठक करिए, बैठक कैसे देखते, क्या कहना? आज मोमिन अंसार सभा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक यहाँ मौलवीगंज लखनऊ में राष्ट्रीय कार्यालय में संपन्न हुई है, जिसमें हमारे साथ हमारे बीच में मेराजुद्दीन अंसारी साहब मेरठ से, इमानुद्दीन अंसारी साहब कुशीनगर से, हमारे साथ इमरान अहमद राजू साहब लखीमपुर से, हमारे मोमिन राय सभा के प्रदेश के महामंत्री नसीम साहब, और हमारे बीच में लखीमपुर के हमारे लखनऊ प्रदेश मत के शाकिर अली साहब, और लाले अंसारी साहब, अनवर जमाल साहब अमेठी से यहाँ पर, और दिल्ली से हमारे डॉक्टर आकिफ साहब यहाँ पे आए, और तमाम यहाँ पर हमारे पदाधिकारी मौजूद हैं। आज यहाँ पर जो बैठक हुई थी, वो बैठक के अंदर अहम मसाइल थे, क्योंकि ये चुनाव के बाद ही पहली मीटिंग थी, उसमें ये तय किया गया कि आखिर मोमिन अंसार सभा ने किस तरह काम किया है, उसको क्या उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं या क्या नुकसान हुए हैं। तो उसमें ये निकल के आया है कि मौजूदा वक्त में बहुत सारे मसले हैं, जैसे कहीं पे वक्फ का मामला चल रहा है, कभी बात आती है, कभी नज़ूल की बात आती है, तो कभी किसी तरह के भाषणबाजी है, कि अलग अलग भाषण आते हैं, तो उसके ऊपर ये कहा गया, आज ये तय किया गया कि मोमिन अंसार सभा ने, सभी अहदेदारों ने एक साथ ये कहा कि हम लोगों को इससे ऊपर उठ के काम करना होगा, क्योंकि सबसे पहले जो पसमानदा मुसलमान है या मुसलमान है, उसको परेशानी किसकी है, रोज़गार, शिक्षा और सुरक्षा की है, और ख़ास करके राजनीति में बहुत पीछे है, उसको राजनीतिक भागीदारी कैसे दी जाए। तो ये हुआ है कि तमाम तरह के हमें बयानात से और भाषणों से ऊपर उठकर हमें रोज़गार, शिक्षा, सुरक्षा और राजनीतिक भागीदारी पर काम करना होगा। इसी के तहत पूरे प्रदेश में आज इस मिशन को लेकर सब लोग गए, इस पर काम करेंगे। अंसारी साहब, जिस तरह से जो है कौम की बात कही है कि कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आता है, आप लोगों की भागीदारी क्या रहेगी उन लोगों को जहाँ पर कोई सफलताएँ आती हैं या कोई सरकार की तरफ से और चीज़ें निकल के सामने आती हैं मुसलमानों के लिए, वहाँ तक फौज की बात है, तब कोई ऐसा संगठन बनाए कि घर घर जाकर या उनको बुला करके ऐसे समझाया गया कि ये आप लोग के लिए सुविधाएँ निकली हैं? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज इसके ऊपर अहम मसले पर बात हुई है, जिसमें सारे हमारे जिला अध्यक्षों ने, मंडल अध्यक्षों ने या प्रदेश पदाधिकारियों ने बात की है। तमाम मसले हैं, जिसमें खास करके सरकारी योजनाएँ हैं, सरकारी योजनाओं का जो फ़ायदा है वो कहीं से जो पसमानदा मुसलमान या गरीब मुसलमान है या जो कम पढ़ा लिखा, उसको नहीं मालूम होता कौन सी योजना चल रही है। तो ये कहा गया है कि अब हम लोग सारे जो हमें जिला कमेटियाँ जितनी हैं नगर स्तर की, कस्बे की हैं, उसके अध्यक्ष जो हैं हमारे, जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को लेकर एक एक जनसेवा केंद्र से बात तय कर लेंगे, और वहाँ पर जो बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं जिनको जो ज़रूरियात हैं, उनको योजनाओं को फ़ायदा पहुँचाने के लिए वहाँ ले जाएंगे, उनके फॉर्म भरवाएंगे, उसको अप्लाई करा के उनको दिलाने का काम करेंगे, और साथ ही में जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी तभी उनका डेवलपमेंट हो पाएगा, इसके बगैर कुछ हो सकता है। इस पर हम लोगों ने पहले भी काम किया, जैसे कभी 10,000 कार्ड बने लेबर ऑफिस से, इस तरह के काम हुए, लेकिन अब मौजूदा वक्त में सरकारी कुछ ऐसी बहुत सारी ऐसी स्कीम है जिसका इल्म ही नहीं है किसी को, खास करके मुसलमानों को इसके बारे में नहीं, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको नहीं पता है। तो इसलिए इस पर ये काम होगा कि हम उन स्कीमों को घर घर तक के पहुँचाएंगे हमारे पदाधिकारी अहदेदार, उसका फ़ायदा ताकि सारी मुस्लिम कौम को मिल सके। कौन के रायबार जो है उनके तक इन चीज़ों को क्यों नहीं पहुँचा था, क्या कारण है? वजह ये रही है कि लोगों पास ऑर्गेनाइजेशन, संगठन नहीं है। आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि मेरा संगठन है, बात करते होगा वो ये काम कर पाएगा। आज हम लोग 2010 से स्थापना हुई थी मोमिन अंसार सभा की, आज उसको काम करते हुए आज 2025-24 आ गया है आपका, और इसमें जिसमें 14 राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं, जिसमें देश भर के लोग इकट्ठा होते हैं, 15 प्रदेशों में काम करते हुए उत्तर प्रदेश के कोने कोने में हम लोग काम कर रहे हैं। चूँकि आज देखा जाए कि RSS के बाद या बाम सेफ के बाद, जो भाजपा का है, उसके बाद जो है अगर कोई सबसे बड़ा कैडर है तो मोमिन अंसार सभा का है, जो जिला, कस्बे तक के और प्रदेशों के कोने कोने में हमारे पदाधिकारी काम कर रहे हैं, सदस्य बने हुए हैं। सब कौन की बात करें, अगर BJP की बात करें, सपा की बात करें, बसपा की बात करें, हम लोग जो है मोमिन समाज की बात तो करते हैं मगर उनको हिस्सा देने की बात नहीं करते, कैसे देखते हैं सर? देखिए, आमतौर पर सभी राजनीतिक पार्टियों ने जो पसमानदा समाज है, जो पसमानदा कौम है, जितनी हैं, उनके लिए काम नहीं किया, उनको हमेशा एक नारे में उलझा के रखा है कि जो है तुम्हारा अगर भाजपा आ जाएगी तो तुम्हारा क्या होगा। इसकी बिना पर क्या हुआ है कि लोग एक पार्टी को हराने में लगते हैं, तमाम तरह से उनकी नज़रें उस पर से हट जाती हैं, जिससे वो रोज़गार, शिक्षा, सुरक्षा से महरूम हो जाते हैं। खास करके राजनीतिक भागीदारी में आप ये देख लीजिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी को देख लीजिए, चाहे कोई पार्टी भी हो,
चाहे कोई पार्टी हो, किसी ने भी पसमानदा मुसलमानों कितने परसेंट टिकट दिया। अभी लोकसभा का चुनाव गया है, हमने देखा कितने पसमानदा गिने चुने 4-5 पूरे भारत के अंदर मुसलमान ऐसे मिले जो पसमानदा कौम के थे, बाकी किसी को टिकट मिलने का काम क्या। महरूमियत हमारी रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा की राजनीतिक भागीदारी की है, उलझाए जाते हैं दूसरे मुद्दे पर। वफ एक्ट आ रहा है, नजूल भूमि का एक्ट आ रहा है, और उसके बाद जब जो सरकार जो इस तरह के भाषण होते हैं तो लोग उसमें तो आ जाते हैं, लेकिन जहाँ पसमानदा कौम को कुछ उनको दिलाने की बात होती है तो हमारी कौम के जो रहबर सो कार्ड बने हुए हैं वो कभी भी इसकी बात नहीं करते, हमेशा पीछे रहते हैं। तो पसमानदा को खुद जागना होगा, अपनी अपने जो हुकूक है लेना पड़ेंगे आगे बढ़ के, इसके लिए आगाम समाज समाज का भी लोग हैं, 10 सीटों के चुनाव होने जा रहा है, तो क्या कहीं भागीदारी होगी या कोई पार्टी नहीं? इन 10 सीटों में से मोमिन साथ सभा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आने वाले 2027 के चुनाव में मोमिन साथ सभा बहुत मजबूती से आ जाएगी। आज हम लोगों ने मोमिन साथ सभा ने एक नया गठन भी किया, जैसे कि मोमिन साथ सभा में प्रकोष्ठ बहुत सारे हैं, मोमिन राय सभा है, मोमिन हलवाई सभा है, मोमिन कस्सार सभा है, मोमिन कसगर सभा है, मोमिन हलवाई सभा है, उसी तरीके से आज मोमिन मनिहार सभा के प्रदेश अध्यक्ष को भी मनोनीत किया गया है। हमारे बीच में अहमद अली साहब हैं जो प्रदेश के हमारे जो है प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, और ये एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में, आप हमारे बीच में हैं खड़े। ये मनियार समाज के प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत हुए हैं हाई कोर्ट में, इलाहाबाद में ये जो है प्रैक्टिस करते हैं अहमद अली साहब। तो इस तरह से हमने सभी पसमानदा कौमों को उनका अधिकार हुकूक दिलाने के लिए सभी पसमानदा कौमों एकजुट होकर काम करिए, जो अपनी अपनी ताकत से लग के मोमिन साथ सभा के बैनर तले हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को लगता है कि जब पसमानदा कौमों को उनका राजनीतिक हिस्सेदारी मिल जाएगी तो कामयाबी मिलेगी। अभी ऐसी बहुत सारी पसमानदा कौमें हैं जिनको अभी तक के तो उन्होंने विधानसभा का मुंह ही नहीं देखा है, तो हमें उन लोगों के लिए भी काम करना है, अपरेस्ट क्लास के लिए खासकर काम करना है, ताकि राजनीति में जब जागरूक हो जाएंगे तो अभी मांगने वाले हैं कल को देने वाले बनेंगे। हम लोग को देने वाला बनना है, मांगने वाले बहुत हो चुके हैं। लखनऊ